नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्री गुप्ता। साहिल देव फैक्ट चेक में स्वागत है आप सभी का। सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति थोड़े से जागरूक रहें, आंख मूंद कर उन पर विश्वास बिल्कुल ना करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीरें और वीडियोस भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इसी बाढ़ में जरूरी हो जाता है कि हम जिन फोटोज या वीडियोस पर संदेह करते हैं उसका फैक्ट चेक कर लिया जाए। आज ऐसी ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे, उनके पीछे का सच आप सबके लिए सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक शख्स ने बुरके के अंदर बारूद छिपा रखा था। वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। वहीं हमारी दूसरी खबर में हम उस वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने पत्रकारों के तीखे सवालों से परेशान होकर बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो बाहर निकल गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक का ये सफर। देखिए, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति ने बुरके के अंदर बारूद छिपा रखा था। अब वायरल वीडियो का जब फैक्ट चेक किया गया तो क्या नतीजा सामने आया है, हमारी इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर बुरका पहनकर महिला का वेश बनाए व्यक्ति का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी बुर्का के अंदर कुछ संदिग्ध चीजें बरामद करते हुए दिख रहे। वीडियो को सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति ने बुर्के के अंदर बारूद छिपा रखा था और इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए हो रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिस तरह से बुर्के का इस्तेमाल गलत कार्यों में हो रहा है, फातिमा के बुर्के में बारूद, बुर्का तत्काल प्रभाव बैन किया जाना चाहिए कि नहीं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, फातिमा निकली आतंकवादी, फारूक अंसारी। वायरल वीडियो के जरिए चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा यह कि व्यक्ति ने बुर्के के अंदर बारूद छिपा रखा था, इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए किया जा रहा है। वीडियो को भारत का बताते हुए सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया जा रहा है, लिहाजा सबसे पहले यह जानना जरूरी हो गया था कि वीडियो वाकई भारत का है। सबसे पहले वीडियो में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के ड्रेस पर हमारी नजर गई। भारत के किसी भी राज्य में पुलिस का ड्रेस कोड नीला नहीं है, मतलब भारत का ये वीडियो बिल्कुल नहीं। अगर भारत का वीडियो नहीं है तो फिर वीडियो है कहां का, यह सच भी सामने लाना जरूरी हो गया था। ऐसे में हमने वीडियो में हमारी नजर सुरक्षा कर्मियों के बैच पर गई और ये बैच जो है वो बांग्लादेश पुलिस के बैच से मिल रहा है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों ने नीली वर्दी पहनी हुई है, बांग्लादेश पुलिस के जवान भी नीली वर्दी पहनते हैं, मतलब वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल कि वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। दूसरा सवाल ये कि वायरल वीडियो कब और कहां का है। तीसरा सवाल ये कि कहीं पुराने वीडियो को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर अफवाह तो नहीं फैलाने की कोशिश की जा रही। इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। दावे की पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के की फ्रेम से रिवर्स इमेज सर्च किया गया। हमें एक बांग्ला YouTube चैनल पर 10 मार्च 2021 को अपलोड किया गया वायरल वीडियो का मूल वर्जन मिला। इसमें 1 मिनट 5 सेकंड से 1 मिनट 32 सेकंड के बीच वायरल वीडियो वाले हिस्से को देखा जा सकता है। इस वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक, गर्भवती अवस्था में मादक पदार्थ की तस्करी करते पुलिस कार्रवाई में दो कारोबारी गिरफ्तार, उन्हें जेल भेजा गया है। इस क्लू के आधार पर हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान एक बांग्ला न्यूज वेबसाइट पर 9 मार्च 2021 की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने चिटगोंग रावजान में ऑटो रिक्शा में बुर्का पहने महिला के वेश में बैठे दो लोगों को ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट में एक तस्वीर भी है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे बुर्का पहनने वाले व्यक्ति से मेल खाती है। रिपोर्ट में रावजान पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अब्दुल्ला अल हारून के हवाले से लिखा गया है कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस सभी यात्रियों की तलाशी ले रही थी। पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में महिला के साथ एक ऐसे आदमी को पकड़ा
जो ऑटो के अंदर बुर्का पहनकर बैठा था और गर्भवती महिला होने का नाटक कर रहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो मार्च 2021 का बांग्लादेश का है, जहां बुर्का पहने व्यक्ति को मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। मोहन यादव ने राज्य में मांस अंडा खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही लाउडस्पीकर और डीजे के धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक जगहों पर तय आवाज से अधिक होने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मोहन यादव बुलडोजर कार्रवाई से भी सुर्खियों में है। इन सब के बीच उनसे जुड़ा एक दावा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि पत्रकारों द्वारा तीखे सवाल पूछे जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। महाराज जी, आप कल तक भूमाफिया बता रहे थे, आज आपको क्या हो गया? आप भूमाफियाओं के साथ हो गए क्या? आप जिन महाराज जी, आप भूमाफिया बता रहे थे जिन लोगों को, महाराज जी। वायरल दावे के सपोर्ट में 58 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव के साथ उज्जैन के संत अवधेशपुरी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों को लगातार तीखे सवाल पूछते सुना जा सकता है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पत्रकारों के तीखे सवालों से तंग आकर बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। वायरल दावे की सच्चाई आखिर क्या है, इसकी पड़ताल हमने की है, तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वायरल दावे की जांच के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट को खंगाला, लेकिन यह खबर कि पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए थे, किसी भी मीडिया आउटलेट्स में देखने को नहीं मिली। इसके अलावा वायरल वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि सवाल मोहन यादव से नहीं बल्कि उनके साथ में मौजूद उज्जैन के संत अवधेशपुरी महाराज से पूछे जा रहे हैं, जिसके दावे की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और जानने समझने की कोशिश की। पहला सवाल जो हम सबके सामने आया वो ये कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो कब और कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं करने की कोशिश की जा रही। इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं इसकी सच्चाई क्या है। महाराज जी, तो कल तक दो भूमाफिया बता रहे थे आपको, नहीं तो भूमाफिया बता रहे थे महाराज जी तो दो दिन पहले। वायरल हो रहे दावे की पड़ताल के लिए फैक्ट चेक टीम ने सीएम मोहन यादव और संत अवधेशपुरी महाराज से जुड़ी खबरों को सर्च किया। सर्च रिजल्ट में ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए थे। लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे के साथ पोस्ट किए गए वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया, जिसके जरिए एक आर्टिकल मिला। 31 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुए इस आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा था, अपने ही बयान से पलटे उज्जैन के संत अवधेशपुरी महाराज, पहले बोले निर्दलीय लड़ूंगा, अब मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी भी मिली कि उज्जैन स्वास्तिक पीठ के परमहंस संत अवधेशपुरी महाराज ने 25 अक्टूबर को निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने बीजेपी पर संतों की चुनाव में उपेक्षा करने और बीजेपी प्रत्याशी पर भी सिंहस्थ की जमीन क्षिप्रा शुद्धिकरण और महाकाल मंदिर को लेकर आरोप लगाया था। साथ ही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं उन्होंने कहा था कि उनके साथ और भी साधु संत थे
जिनके साथ बैठक करने के बाद उज्जैन उत्तर से निर्दलीय उतरने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में संत अवधेशपुरी महाराज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद ही मीडिया ने उनसे सवाल किया, लेकिन संत अवधेशपुरी महाराज पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पत्रकारों ने संत अवधेशपुरी से ही सवाल किए थे। इसके बाद अवधेशपुरी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे। कुल मिलाकर पड़ताल से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जोड़कर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। टीम फैक्ट चेक, टुडे।